अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो ट्रैवल कर सकता है। इन आउटर स्पेस, बैरूनी सतह पर देयर इज कम्प्लीट साइलेंस, मुकम्मल तौर पर खामोशी होती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस। साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती आउटर स्पेस में, बिकॉज इट इज़ अ वैक्यूम डैट कंटेन नथिंग टू कैरी साउंड। क्योंकि वैक्यूम मतलब क्योंकि पूरी मुकम्मल तौर पर जो खला होती है बैरूनी, ये खाली होती है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे हम साउंड जो है वो कैरी कर सकें। द एयर थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस वो एयर जिसके जरिए साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, वो हमारे पास मीडियम कहलाती है। अ मीडियम कैन बी एनी थिंग। मीडियम कुछ भी हो सकता है। अ लिक्विड सच एज वाटर, अ सॉलिड सच एज वॉल, और अ गैस सच एज एयर। ठीक है, एक मीडियम कुछ भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म में जैसा कि वाटर है, सॉलिड में जैसा कि एक वॉल है, और गैस में जैसा कि एयर है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड मोर स्लोली इन गैसेस। मतलब साउंड जो है वो अगर तेज़ी में ट्रैवल करती है वो सॉलिड्स में से करती है, फिर लिक्विड में से, और स्लोली जो है वो गैसेज में से करती है। डू यू नो डॉल्फिन यूज साउंड वेव्स टू फाइंड देयर वे इन द सी। डॉल्फिन्स जो हैं वो समुंदर में, ठीक है, अपना रास्ता तलाश करने के लिए साउंड वेव्स का यूज़ करती हैं। और शिप्स जो हैं वो भी स्पेशल इक्विपमेंट जो है उनका यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड बोर्ड पर, टू सेंड आउट साउंड वेव्स टू शो देयर लोकेशन। मतलब साउंड वेव्स को भेज के ताकि उनकी लोकेशन जो है उसको फाइंड आउट कर सके, स्पेशली इन फोगी वेदर, मतलब धुंध वाले जो मौसम है उसमें खासतौर पर। बच्चे के देखिए एक वॉल बनी हुई है। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, मतलब साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं सॉलिड के जरिए। डॉल्फिन मेक साउंड अंडर वाटर, डॉल्फिन जो है वो भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है वाटर के अंदर। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन इज वॉट वी कॉल साउंड डैट हर्ट्स अवर ईयर्स और इज अनप्लेजेंट। नॉइस पोल्यूशन जिस वो साउंड होती है जो कि हमारे कानों को जो है अन मतलब ना खुशगवार जो है महसूस होती है, और ये हमारे कानों को इफ़ेक्ट करती है। एक्सपोजर्स टू लाउड नॉइसेस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सपोजर्स जो होते हैं ना जिनमें लाउड नॉइसेस होती हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। साइंटिस्ट हैव फाउंड डैट पीपल हु हैव टू वॉक विद नॉइसी इक्विपमेंट और लिव इन नॉइसी नेबरहुड्स आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्राम स्ट्रेस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज हेयरिंग लॉस। क्या कहते हैं कि जो लाउड नॉइसेस होती है ना वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। साइंटिस्ट का मानना ये है कि जब आप किसी शोर वाले इलाके में या आप ऐसे शोर शोर करने वाले पड़ोसियों में रहते हैं, तो आप या तो स्ट्रेस को सफ़र करते हैं, या आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, या आपके सुनने की सलाहियत जो है उसको खो देते हैं। दे हैव ऑल्सो फाउंड आउट डैट चिल्ड्रन लर्न बेटर इन क्वाइट इन्वायरमेंट्स। और वो ये भी जान जाते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक पुरसकून और आरामदायक माहौल में अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। एक्होज अ साउंड मेड इन अ लार्ज एम्प्टी रूम प्रोड्यूसेस एन एक्हो। एक साउंड जो है वो अगर खाली और जो है बड़े रूम में प्रोड्यूस की जाए तो उससे हम गूंज पैदा होती है। बच्चे गूंज कहते हैं एक्हो का मतलब। एन एक्हो इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ सरफेसेस। एक एक्हो जो है मतलब गूंज प्रोड्यूस होती है जब साउंड वेव्स जो हैं वो टकराती हैं, ठीक है, अपनी सतह के साथ। व्हेन देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों रूम में, और देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्ट मटीरियल्स, और सॉफ्ट मटीरियल्स हों जैसा कि क्लॉथ्स हों, कपड़े हों, कुशंस वगैरह हों, तकिए वगैरह, तो साउंड वेव्स आर ऑब्जर्व्ड एंड डू नॉट बाउंस बैक। तो साउंड वेव्स जो है वो ऑब्जर्व्ड हो जाती हैं उन चीज़ों में और सतह से नहीं टकराती, जिसकी वजह से गूंज पैदा नहीं होती। अ बैट यूजेज एक्होज टू टेल वेयर इट इज़ गोइंग। इट मेक्स हाई पिच स्क्विकिंग साउंड, ठीक है। एक बैट जो है उसका यूज़ करते हैं एक्होज को ये बताने के लिए कि वो कहाँ जा रही है, और इस इट मेक्स और इसकी जो है वो साउंड तेज़ से तेज़ होती जाती है। दीज साउंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराती हैं ये आवाज़ें, एंड बैक टू द बैट्स ईयर्स, और वापस जो बैट के मतलब कान मतलब बैट की जो गूंज है उस पर जो है वो वापस आ जाती हैं। बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना और लर्न भी करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।